वेरी गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। थैंक यू सर। सर, पॉइंट ब्लैंक पे मिला था वो, क्यों छोड़ दिया आपने? वो बहुत चालाक है रुद्रेश जी, उसने मुझे 1 रुपए का कॉइन दिखाया। आखिर कहाँ जाएगा, कभी तो हाथ में आएगा, तब दिखाऊंगा कि मैं चीज क्या हूँ। आपको पता है वो कैसा था? कैसा था सर? छे, कौन है बे तू? बेकार में मेरे बुलेट की बलि चढ़ जाता तू, निकल यहाँ से। अबे कमीनो, जल्दी से अलर्ट हो जाओ, कौन आ रही है, जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो। ए कौन है ये बच्चा? ए खड़ा है ये, ए कौन है? तुम्हें मारने के लिए वहाँ 4 लोग बैठे हैं भाई। सुन लिया तुम लोगों ने? सुन ली इसकी बात, जो भी है उसे 5 मिनट के अंदर यहाँ पर हाजिर करो। तुम लोग अभी तुरंत निकलो, मेरे सामने हाजिर करो, जाओ सब। चलो तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं बेटा? मेरा माँ बाप कोई नहीं है भाई, मैं अनाथ ही हूँ। मुझे मारने का प्लान तुमने बनाया था, बता किसके साथ है तू? बता जल्दी, बता किसके साथ प्लान बनाया था? भागो, मुझे मारेगा। चंद्रो, कविता इधर आओ सब। क्या है डैडी? जल्दी आओ। जानते हो ये कौन है? सूर्या है इसका नाम, इसने आज मेरी जान बचाई है। आज के बाद से ये तुम्हारा बड़ा भाई है, इसे अंदर ले जाओ और बढ़िया से खाना खिलाओ और फिर आराम करवाओ। ठीक है। ए इधर आओ। ए चला राम, ड्रिंक लेकर आओ। आया साहब। सूर्या, आज से सूर्या मेरा बड़ा बेटा है, वो अपने साथ ही रहेगा। अच्छे लोगों का अच्छा समय, बुरे लोगों का बुरा समय। ये जगदीश नायक का आदमी है। ये बात है, ठीक है मैं वो देखूं। मालिक, क्या ये लेकर जाओ। विश्व 30-40 का तो साइट है, बेचारा गरीब आदमी है, दे दो उसे। देखो भाई, जो भी है आपके हमारे बीच है, इसके अलावा हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। उस नायक ने आपको खत्म करने का प्लान बनाया था भाई, बाई चांस मिस हो गया, अभी भी समय है, खत्म कर दो उसे। 30-40 के बदले में 2 एकड़ दूंगा आपको, उसका सामना करने की ताकत है? बेकार में न्याय नीति का लेक्चर मुझे मत दीजिए आप, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। पापा के सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कहाँ रहता है वो जगदीश नायक? पुराने फॉर्म हाउस में। ए, कहाँ है वो रेड्डी? 30-40 के देने की बात कर रहा था ना, वो डील हो गई क्या? पता नहीं भाई। ए, जाके डील करके आ। ठीक है भाई। भाई, क्या जगदीश नायक कौन है भाई? क्यों बे? उसे खत्म करने के लिए सुपारी ली है। सुपारी? जरा देख इसे। तूने जगदीश नायक की सुपारी ली और यहाँ पर खाली हाथ चला आया है? न हाथ में कटारी, न तलवार, न गन, न चाकू है। अबे कम से कम अपनी उम्र के हिसाब से पेंसिल छीलने वाला ब्लेड तो लेके आना चाहिए था, तू तो खाली हाथ चला आया बच्चे। मेरी सुपारी ली है।
रुद्रेश जी। यस सर। खेल जगदीश नायक का था, लेकिन खेल में जीत उसकी हुई। उस नायक के अड्डे में जाकर उसने उसके आदमी को मारने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, जेल कौन गया? देव का आदमी। वजह? सबूत ही नहीं मिला। जब बचपन में वो लड़का इतना तेज था तो सोचो अब कितना तेज होगा। अब तो उसको पकड़ना ज्यादा मुश्किल है। ऐसे डेयरिंग वाले आदमी का आखिर कौन क्या बिगाड़ सकता है। लड़का हो या लड़की, तुम उसे पैदा करके हमेशा खुश रहो। क्या भैया, आप भी भैया देखो ना। अरे क्या हुआ? कुमार, कुमार रेडी हो ना? कुमार जी, मेरी बहन का ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए जी, बाकी सब ठीक हो जाएगा जी। बाय बाय भैया। सूर्या, कम फास्ट। बोलो क्या बात है पार्टनर? तुमसे कुछ बात करनी है, अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। बैठो पार्टनर। बस एक आखिरी डील और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं पार्टनर, इतने दिनों तक तो बेकार की डील करते आए हैं, ये डील तो लगता है अच्छी नहीं रहेगी। पिताजी की कमाई जायदाद बहुत है हमारे पास, ये डील अपने लिए जरूरी है क्या? मेरे पिता ही मेरी जायदाद हैं। क्यों ऐसा भेदभाव करते हो यार? तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी एक ही तो है ना? तो बचपन से कहते आ रहा है तेरा सपना क्या है, और वो सपना अभी के अभी इसी वक्त पूरा हो सकता है। मान जाओ पार्टनर, एमएलए ने जो पैसा कमा के रखा है ना, वो मेहनत की कमाई का बिल्कुल नहीं है। हाँ ये बात भी सही है। तुम मान जाओगे पार्टनर, ये मैं जानता था, क्योंकि ये तुम्हारा सपना भी है। मेरी भी तो इच्छा है, लेकिन दिस इज द लास्ट डील। ओके डन पार्टनर, बट 50-50। बुद्धिमान गुस्सा करेगा तो ठीक नहीं रहेगा। बैठो पार्टनर। तुझे तो मैं बताता हूं, आज देख क्या करता हूं तेरा। तेरी सोच को अंजाम तक पहुंचने नहीं दूंगा, देखता रहे। देख सूर्या, मैं वहां अगले सिग्नल पर वेट करूंगा, वो लोग जरूर आएंगे, सावधानी से डील करना। ओके, बी केयरफुल, ठीक है? डन। आज पैसा चुराना ही है, किसी भी हालत में मिस नहीं करना, ठीक है?
डैड आपका कॉल आया है। लो दो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, एमएलए साहब का पैसा सूर्य चुरा कर ले जा रहा है। मिस्टर अभय, एमएलए साहब का वो सारा पैसा सूर्य चुरा कर ले जा रहा है। जान कहाँ अटकी हुई है तुम मेरी जान। Oh!
It's very difficult to catch me. Hey, Surya, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। अबे जाबे। Hey. मेरा हिस्सा मुझे दे दे। अबे जा नहीं। अबे जा यहाँ से। ए सूर्या, तू मेरा पीछा नहीं कर सकता, चल निकाल। ए तू कहीं भी चला जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
भगा रहा हूँ, तू कहाँ से आटप का इसमें? हेलो, ए मैं बोल रहा हूँ कुछ। हाय। हाँ, मेरा नाम 60 मंजू है, डायरेक्टर हूँ। स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, म्यूजिक डायरेक्टर और एडिटिंग, हीरो कम है, कम है, अरे हीरो कम कम वो नहीं, मतलब अपकमिंग हीरो है। वर्मा शर्मा नेशनल भट्ट, इन लोगों से कम नहीं हूँ, मेरे पास भी एक कहानी है। ठीक है, बताओ कहानी क्या है। 60 साल का एक आदमी 90 साल का हो जाता है, फिर 180 साल का हो जाता अगर है। अगर ओपनिंग ऐसी है तो क्लाइमेक्स कैसा रहेगा मेरे बाप? अरे भाई क्लाइमेक्स का छोड़ो, इस कहानी को सुनाने के लिए प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है मुझे। अच्छा, बजट कितना है तुम्हारी फिल्म का? अरे यही कोई 5-10 करोड़ रुपए लगेंगे और क्या। ओहो, ठीक है प्रोड्यूसर मैं दिलवाता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन। क्या बोला आपने? कुछ दिनों के लिए मेरे रहने का कहीं इंतजाम कर दो। अरे भाई मेरे घर में, मैं इंतजाम कर देता हूँ। गाड़ी मेरे दादा के घर की तरफ मोड़ दे। ओहो, ये पूरा गांव दादा का ही है क्या? मेरे दादा का ही गांव है पूरा। मेरे गांव वाले कहते हैं मैं बहुत बड़ा एक्शन डायरेक्टर बनने वाला हूँ। ए मंजू, क्या है? थोड़ा पानी बचा के रखा या नहीं है? क्या पानी? बियर? बियर नहीं बे, पानी। पानी? हाँ दे। तुम भी ये लो। आला। जल्दी से पियो और गाड़ी भगाओ। ए, ये कौन है? है? ए, ये कब का चढ़ा हुआ है, पता नहीं है क्या? नहीं मुझे तो नहीं पता। अरे ये कब का गाड़ी में चढ़ गया था? अच्छा हमें यहीं पे बैठे या अंदर आकर के बैठे? अबे अंदर आके बैठना। अच्छा आजा भाई आजा। चलो चलो जल्दी भाई, चलो चलो। अरे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। सर लाइसेंस। और ये पेपर्स। रिन्यूअल हुआ? रिन्यू हो गया है सर। ठीक है जाओ 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 जाओ। ये लीजिए सर। ये लाइसेंस है तुम्हारा? हाँ यही सर। चलो जाओ। चला चला निकलो। ए निकल, एक मिनट रुको। रुद्रेश जी। सर मेरी बात ध्यान से सुनिए, सारी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही छोड़िएगा, फिर चाहे बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, सबको चेक करना। सर जरा उधर देखिए, वहाँ से एक गाड़ी आ रही है। ए, अचानक ब्रेक क्यों मारा? क्या यार, गाड़ी चला। चलो मेरे साथ। अबे तुझसे पूछ के ब्रेक मारूंगा क्या? चुपचाप बैठा रहे। ए, तेरे रिश्तेदार आ गए हैं, डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिखा उनको। हाँ ठीक है ठीक है। ए, गाड़ी का नंबर प्लेट कहाँ पर है? खाने का प्लेट नहीं मांग रहे, नंबर प्लेट मांग रहे हैं, जाके दिखाओ उनको। लेफ्ट जाना है राइट जाना है ये बताना सिर्फ क्लीनर का काम होता है, नंबर प्लेट और नेम प्लेट के बारे में उससे पूछ लो। ए, तू सिर्फ कंडक्टर है, कलेक्टर बनने की कोशिश मत कर, पहले नंबर प्लेट लगा गाड़ी पर। रुद्रेश जी yes, इस गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। ठीक है सर। ए, आरसी बुक और लाइसेंस दिखा। ठीक है सर। रुद्रेश जी। सर ये वो गाड़ी नहीं है। ठीक है सर। ए चल निकल। ठीक है सर। ए सुनो रे, तुम्हारा गांव आ गया, चलो उतरो जल्दी जल्दी। चलो भाई चलो। हाँ भाई। अरे अब लाओ पैसे दो। ये कौन है, तुम्हारे पिताजी हैं क्या? जी हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। बॉस मेरी एक हेल्प कर सकते हो? सर आपकी हेल्प नहीं करूँगा तो फिर किसकी हेल्प करूँगा? हाँ बस एक चीज मत मांगना, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, बाकी कुछ भी मांग लो, पूरी हेल्प करूंगा। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। वादा नहीं निभाऊंगा तो ऊपर वाला देख रहा है ना सर। मुझे ये गाड़ी चाहिए। हैं? ये गाड़ी? मैं हैं? आपको पैसे दूंगा। अरे वाह सर, 2 EMI बाकी है इसकी सर। पक्का किसी बड़े पैसे वाले का दोस्त होगा, गारंटी। भूलना मत सर, भर देना। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।
कहाँ जाना है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। और कितनी दूर जाना है भाई? बस यही थोड़ी दूर पर है। आसमान में उड़ता चला। थोड़ा धीरे चलो भाई, गाड़ी नहीं हवाई जहाज से मत रखा है। यहाँ से और कितनी दूर है? इस गांव के बाद अगला गांव हमारा ही है। राजा मौली ने कहा कि तुम ही हीरो बन जाओ, तुम्हारे अंदर हीरो वाले पूरे टैलेंट्स हैं। बॉडी नहीं बनी इसीलिए नहीं बना। अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? हैं? अरे भाई, घाट पर भी इतनी तेज गाड़ी चलाते हो हैं? अरे नहीं, कहाँ घुमा रहे हो, कैसे घुमा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये क्या जंगल में लाके रोक दिया? भाई यहाँ जंगल में कोई काम है क्या? ड्राइवर नहीं पायलट लगता ये तो। अरे बाप रे, उसी से पूछता हूँ, वही बताएगा। ओ भाई, ये गाड़ी यहाँ बीच जंगल में क्यों रोक दिया? मेरे दादा का घर तो साइलेंस, ज्यादा भौंको मत, एक दूंगा नहीं तो। मेरे दादाजी का घर बिल्कुल भूत बंगले जैसा है, वहीं रुक जाते तो अच्छा होता हमारे लिए। ये कोई ऑडी या बीएमडब्ल्यू है क्या जो तुम्हारे दादाजी के गांव लेकर जाएंगे? अगर ये गाड़ी लेकर जाएंगे तो लोग हंसेंगे हम पर। तुमने तो खुद को प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बताकर अपनी कॉलर टाइट कर दी होगी। सही है, तुम जब डायरेक्शन करोगे तब ये गाड़ी काम आएगी। अरे मुझे तो आइडिया ही नहीं आया। दिमाग में क्रिएटिविटी हो तभी तो आइडियाज आते हैं। क्रिएटिविटी पे बात मत करना, समझ गया ना? प्रोड्यूसर बताओ, तुम्हें हीरो लेकर एक मस्त फिल्म बना देता हूँ यहीं पे। क्या बनाओगे, कोई रीमेक बनाओगे क्या? तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। चलो चलो चलते हैं। बैग में रखा हुआ सीडी देख लिया क्या? सावधान। हेलो, ये मेरे दादाजी का बनाया मंदिर। अच्छा? है, हाथ जोड़ लो। ए देवी माँ, वो सब घर देख रहे हो ना, वो सब मेरे दादाजी ने मुफ्त में दिए हैं। ये जो रोड है ना, दादाजी ने बनवाया है। क्या राजा भाई, आपकी बीवी वापस आ गई क्या? तू तो पूछने वाला कौन है? अरे चुपचाप नहीं चल सकते क्या? इस तरफ जाना, इस तरफ से, इस तरफ से। रात को नाइटी पहनी जाती है, दिन में पहनकर बैठी है, कमाल है। रिसेप्शन पे जा रही है क्या? बकवास बंद कर। रोड बनना था, पता नहीं कब बनेगा। हनुमंत भाई, सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे गंगा बहन, आपके पति कहाँ है? वो फिल्म बनाने के लिए गया है पूजा। देखो शिवा भाई, अपने गांव में जो मेला लगता है उसका सारा खर्चा मैं उठाता हूँ। अगर उस मेले में कोई झगड़ा या लफड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कहाँ गए थे बच्चों? कहीं नहीं, बस हम खेल रहे थे। जी भाई साहब, सुनो, इनको 1,00,000 रुपए ला कर दे दो। ठीक है भाई साहब। मामा, दीदी की शादी कब है? तू भी ना, तू भी अपनी दीदी की शादी जल्दी करवाना चाहता है? अपनी चाची से ही पूछ ले कब है। तुम्हारी दीदी तो राजकुमारी है ना? घोड़े पर सवार होकर एक सुंदर सा राजकुमार आएगा जो तुम्हारी दीदी से शादी करेगा। यही है मेरे दादाजी का घर। आज तो कुछ ज्यादा ही तैयार हो रही हो। तुम क्या खुद को ऐश्वर्या राय या दीपिका पादुकोण समझती हो? तो मैं उनसे कोई कम हूँ क्या? लेकिन मेरी जैसी लड़की को पाने के लिए 7 जन्मों में पुण्य किए होने चाहिए, है ना डार्लिंग सुमी? हेलो, मेरे दादाजी का घर है, तुम्हारे नहीं। चलो अंदर। ये पैसे इनको दे दो। ये लीजिए। धन्यवाद मालिक। धन्यवाद। जो बैठे हैं वही है मेरे दादाजी। लो आ गया राजकुमार। दादाजी कैसे हैं आप? ये मेरा फ्रेंड सूर्या। नमस्ते दादाजी। नमस्ते, क्या करते हो बेटा? वो दादाजी, ये रूरल सेंसेशनल डेवलपमेंट एंड एंटीबायोटिक। तुम ही बता दो ना यार। भारत देश में रहकर हिंदी में ठीक से बात भी नहीं कर सकते हो दादाजी? दरअसल हमारे देश के हर गांव को कृषि उद्योग में आगे कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। आजकल के लोग गांव छोड़ के शहर चले जाते हैं और तुम शहर से गांव आए हो, हाँ, और वो भी गांव के लोगों की मदद करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू दादाजी। मेरा फ्रेंड 2 महीने के लिए यहीं इस घर में रहना चाहता है, ठीक है ना? हाँ, क्यों नहीं बेटा। क्या यही वो राजकुमार है जो दीदी से शादी करेगा? छी।
अपने घर का गणेश है। आओ आओ आजा। अच्छा चाची, ये तो शहर से आया हुआ है और इनका बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा दादाजी ने कहा है। चलिए चाची आप ही बताइए ना। चलो जाओ, पिताजी ने कह दिया था, बात खत्म। सर नमस्ते। हाँ सर, मैंने कहा था ना ड्राइंग बनाने वाला, वो यही है, नाम यशवंत है। नमस्ते सर। नमस्ते, स्केच बनाओ। सुनिए मिस्टर यशवंत जी। सर मेरी बात को अच्छे से समझने के बाद ही स्केच बनाना। ठीक है सर, समझ गया। ओके सर, रेडी। रेडी है, जरा दिखाओ मुझे। इसे कहीं तो देखा है मैंने। रुद्रेश जी सर, ये आदमी सर ये तो फिल्म का फेमस विलेन है, नाम है कीर्तिराज, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता है ये। मगर इनका कोई बेटा बेटा? उसका नाम है धर्मा, 4-5 मूवीज में ऐसे हीरो काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री में उसका काफी अच्छा नाम है सर। ओहो, अब ये चाहे कहीं भी छिप जाए मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। सुमा। हाँ चाची। वह स्पून है जरा लेकर आओ। कहाँ है चाची? वही डाइनिंग टेबल पे है, लेकर आओ। ठीक है, जल्दी आओ। आ रही हूँ। अरे क्या चल रहा है यहाँ पे, जाओ यहाँ से। अरे भाई भाई भाई, अरे तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो यार? तू मेरे साथ रह करके मंजू मंजू बोल करके मुझे ये धोखा दे रहा है तू है? अरे अब छोड़ो ना, चलो नाश्ता कर लेते हैं। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, अपनी आंखों से देख लिया मैंने। हे तू प्रोड्यूसर बनेगा, मैं इसीलिए अब तक चुप हूँ, दिल को कठोर बना रखे। जिस लड़की को मैं पटाना चाहता था उस लड़की को यहाँ आकर के ये पटा रहा है। जाने दो जाने दो, जिस दिन प्रोड्यूसर मिल गया ना इसको तो मैं कच 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 करके काट दूंगा, देख लेना। कर लो जो करना है कर लो। थू। छोटी मालकिन हाँ? पिताजी नहीं है क्या? है ना पिताजी, आपसे मिलने गांव वाले आए हैं। आ रहा हूँ। नमस्ते। क्या बात है, क्या वजह है आने की? वो मूर्ति के आदमी हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारी बीवी बच्चों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जब तक वो और उसके लोग इस गांव से बाहर नहीं जाएंगे तब तक यहाँ पे शांति नहीं आएगी। ठीक है तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है मालिक। शेखर जी भाई सर, तुम बगीचे का काम देखो। ठीक है दादाजी। हाँ अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी उनके साथ जाऊँ। हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। हेलो पिज्जा बर्गर, आपने बुलाया मुझे? बुलाया नहीं, चिल्लाया। वहाँ जो भी लोग हैं वो मामूली नहीं है, हर रोज घंटों कुश्ती करके अपनी बॉडी बनाई है उन्होंने। दादाजी के आने तक वहाँ शांत रहना वरना तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। मुझे ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है, समझे? चलो अब जाओ अपने रास्ते। ए, क्या समझता है अपने आपको? अपने काम पर ध्यान दे, जो अपने काम पर ध्यान नहीं देता ना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ता है। मैं तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, चल निकल यहाँ से। सूर्या चलो चलते हैं। देखो से अपने आप को हीरो समझ रहा है ये। ए चंद्रा एक झटका दे दे इसे, दूसरी बार यहाँ नहीं आएगा।
ए पक्या, देख कैसे घूर रहा है तेरे को, जाके उसको मजा चखा दे। आज पक्या धोएगा इसे। ये सब सुनकर मुझे एक्शन हीरो बनने की बहुत इच्छा थी। बहुत दिनों के बाद मिले हो, मुहूर्त बहुत अच्छा है आज। आ जाओ, तुम लोगों का स्वागत करने के लिए आया हूं मैं। स्टाइल में गॉगल लगाकर खड़ा हूं तो मुझे सॉफ्ट नेचर का समझने की भूल मत करना। गॉगल पहनकर जब बात करता हूं तो एक इमेज लगती है। और उतार कर मारूं तो एक्शन हीरो लगता हूं। देखो आ गई तुम्हारी बकबक दीदी। अरे हटो ना दीदी। हाँ? ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं किया है। चार पांच लोगों को मार देने से मेरे दादाजी तुम्हें हीरो मान सकते हैं, लेकिन सुमा इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होती, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पूरे गांव को खाली करवा सकती हूँ, समझे? तुम्हारे ऐसे घूरने से मैं डर जाऊंगी क्या? मुझे कमजोर मत समझना। आंखें निकाल के रख दूंगा, बॉडी में पाव किलो मांस भी नहीं निकलेगा। मुझसे पंगा लेना चाहती है, चलेगा यहाँ से? क्या चल रहा है इनके बीच में? चल जा। आ गई बड़ी, छोड़ना यार। तो ये तो प्लस हो गया माइनस, और ये माइनस दाल में जरूर कुछ काला है। जाएगा प्लस। एरोक्स। हाँ भाई। पैसा तो वो चुरा कर ले गया, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। चलिए, आप बिल्कुल परेशान मत हो भाई, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा।
जानते हो ना, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। फेफड़े, गुर्दे, किडनी सब खराब हो जाते हैं। दोबारा पुलिस के साथ खेलने की कोशिश मत करना, जिंदगी भर के लिए अंदर हो जाएगा। वो कहाँ गया है मुझे पता नहीं सर। तुम बाप बेटों ने 15 साल पहले उस लड़के को अपने पास में रख कर उसे सुपारी दी थी कि वो जगदीश नायक को खत्म कर दे। मेरे हाथ कानून से बंधे हैं, कानून को सबूत चाहिए, नहीं तो इसी वक्त इस गन की सारी बुलेट तेरे सीने में दाग देता और तेरी कहानी यही खत्म हो जाती। चलिए रुद्रेश जी। चलिए सर। ए, तेरे पार्टनर का कोई फोन नंबर या फोटो है क्या? हाँ सही है सही है, और चालाक है ना तू, कोई क्लू नहीं छोड़ा तूने। बहुत जल्द बताऊंगा तुझे पुलिस पावर क्या होता है। वेट एंड वॉच। सर, हमारे लिए खुद ही अपने आप में एक सबूत है, अगर इसे छोड़ दिया तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा, कहाँ जाएगा वो? एक दिन तो जरूर हाथ में आएगा। उसने इससे जायदाद में हिस्सा मांगा तो इसने उसे फंसा दिया, पर वो इससे भी ज्यादा चालाक आदमी है। वो यहाँ से इतना पैसा लेकर भागा है कि आपको क्या लगता है ये उसे छोड़ेगा? चलिए, ये दोनों मेरे हाथ लगेंगे। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं बेटा? इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है दादाजी, मैं एक अनाथ हूं। लेकिन तुम बहुत बुद्धिमान हो बेटा, भगवान ने तुम्हें यहां हमारे पास भेजा है। हम सब मिलकर तुम्हें माँ बाप का प्यार देंगे, और शायद यही भगवान की भी इच्छा है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम सारी जिंदगी खुशी खुशी यहीं रहो। हा? अरे दादाजी, आज आपके लिए बहुत खास दिन है, आज ऐसी बातें करके इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। क्या दादाजी, आप समझे नहीं क्या, आज आपका बर्थडे है। अच्छा। सारे गांव वाले बाहर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या माम्स, मामा 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 बोल करके मामू बना दिया तुमने मुझे। क्यों सुमा, मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूँ ना। हाँ। जब तुम 7वीं क्लास में थी मैंने आई लव यू बोला था, तुमने भी हाँ बोला था ना, अब क्यों मुंह मोड़ रही हो तुम? पहले ही तुम्हें चप्पल से मारना चाहिए। हाँ, क्या कहा तुमने? अब कुछ भी नहीं। अब मैं तो तुम्हारे लिए जी जान लगा कर डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ सुमा, और एक तुम जो सूर्य के आते ही बदल गई। क्या सुबह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मामा जी, वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। सच बोल रही हो? आपकी कसम। नहीं, नहीं, कसम की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। यही तो मैं चाहता था। कल शिव पूजा है, अगर उसे शिव के पास नहीं भेजा तो मेरा नाम मंजू 60 नहीं, ठीक है ना? सुमा। जो कुछ भी चाहिए यहीं से लेना ठीक रहेगा, ओके? ठीक है अंकल। तुम लोग अंदर जाके रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप भी चलिए। हाँ। चलो। कहाँ चला गया ये? हाँ? मैं यहाँ हूँ, यहाँ इधर इधर। हाँ। जो कुछ भी चाहिए ले लो। मामा मुझे ये चाहिए। ये चाहिए तुम्हें? ठीक है मामा।
ये चाहिए, मुझे भी यही चाहिए। देखा मामा, आप मारेंगे क्या? हेलो, मैं ऐसे चॉकलेट बॉय को मारने वाला नहीं हूँ, मैं कबाब खाने वालों को मारता हूँ। उसके लिए तो चॉकलेट बॉयज आए हैं, वही मारेंगे उसको। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझसे शादी करोगी इसकी गारंटी? हाँ, है ना? प्रॉमिस मामा, आपकी कसम। आई मेरी जान, तुमने कह दिया यही बात है। आज उसकी कहानी खत्म, और जो जो चाहिए वो सब ले। अरे तुमने कह दिया तो काम हो गया समझो, आज शाम को हमारी और तुम्हारी शादी का कार्ड छप के तैयार हो जाना चाहिए। दो माला रेडी करके रखना, अभी आता हूं। किसी का श्राद्ध है क्या? श्राद्ध क्यों नहीं रे, मेरी शादी का है। ठीक है, ठीक है, यहीं बैठ के माला बेच, मैं अभी काम करके आता हूँ। ठीक है मामा। भाई अपनी ताकत यहाँ नहीं, वहाँ जाकर दिखाओ तो जानू। कौन वही है? वह है ना चॉकलेट बॉय। आज देखो उसका क्या हाल होगा। हेलो, कहानी मत सुनाओ, उसका श्राद्ध का कार्ड छपना चाहिए। ओए, यहाँ पोज मत दे, वहाँ चल कर दिखा। जा 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 चल चल चल। कमाल आते हैं। मुझे टक्कर मारेगा तू? घूर क्या रहा रे? गुंडा है तो, बहुत बड़ा गुंडा है, बॉल गुंडा है क्या? आज तो ये गया, वाह वाह वाह। ए अरे भाई 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 भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो भाई। एक बार पड़ गया था तो उठ जाएगा तू। अरे मेरे आदमी को मारेगा तू? नहीं नहीं भाई, मैं क्यों मारूं, मुझे तो मारना भी चाहता है। मैं जवाब देता हूं तेरी तो। ए भाई अभी बताता हूं। ए अबे मुझे नहीं, उसे मार, उसे भाई। नहीं मार भाई, पकड़ लिया, अब जल्दी से मार उसे, मार। अबे मुझे नहीं, इसे मार, इसे मार, इसे। अरे मार, सॉरी मैं माफी मांगता हूँ, मैं ये सब नहीं करना। अरे मेरी क्या गलती है, छोड़ दो मुझे, क्यों पकड़ के मारे हो? अरे भाई छोड़ दो मुझे भाई। लड़की बहुत ही खूबसूरत है, ए छोड़ दो इसे, मुझे लड़की चाहिए। अरे गुरु क्या हुआ? कौन सी लड़की? अरे वो लड़की, तू हट जा। सुनो, अरे अरे पहचाना नहीं क्या मैं? अरे सुनो, अरे चल, अरे सुनो भाई, अरे सुनो, क्या कर रहा है? अरे मैंने इसके लिए पैसा नहीं दिया है, कंफ्यूज हो रहे तुम लोग, मैंने उसके लिए पैसा दिया है, वो वहाँ खड़ा है उसके पास। अरे मर गया। सुनो, चल निकल, ऐसे ही पकड़ते हैं क्या? ऐसे ये देख, चल साइड हो जा। ऐसे क्यों मारो? मुझे कल सिक्स पैक्स बनाने थे, एक्सरसाइज कैसे करूंगा? देख मेरे हाथ को क्या हो गया है, डबल पेमेंट देना पड़ेगा तुझे, समझा? अरे हाँ 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 बिल्कुल दूंगा, लेकिन पहले जाकर उसे मारो। नहीं होगा भाई, मेरा हाथ पूरा बेकार हो गया। चला गया तो क्या हुआ, दूसरे हाथ से मारो ना। अरे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मेरा पेमेंट निकाल जल्दी से, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, मामा। शेर शेर हूँ मैं, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? हे, तू मुझे मारेगा, रुक मैं आता हूँ।
डिप्स डिप्स तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना जानू, मैं अभी आता हूँ। कहाँ गया भाई? अरे भाई तुम्हें इतना फील क्यों हो रहा है? चलो तुम्हें एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाता हूँ, ड्यूएट वाला सुपर्ब सॉन्ग। मामा मैं उस हीरोइन से भी अच्छी दिखती हूँ ना? पूरा गांव तुम्हारे बारे में बात करता है, तुम कितनी सुंदर दिखती हो। पता नहीं घोड़े पर सवार होकर मेरा राजकुमार कब आएगा। तुम्हारे चाची का दिमाग खराब था जो उसने ऐसा बोल दिया, और तुम अभी तक उसको पकड़ी हुई हो? नहीं मामा, चाची ने यही कहा था, एक घोड़े पर सवार होकर एक हैंडसम राजकुमार मुझसे शादी करने जरूर आएगा। एक हैंडसम राजकुमार तुम्हारी जैसी चालू लड़की से शादी करे, इससे अच्छा है कि वो एक 6 फीट का गद्दा खोद करके उसके अंदर सो जाए। ये क्या मामा, ये आप कैसी बकवास बातें कर रहे हैं? मुझसे शादी करने के लिए हजारों पुण्य किए होने चाहिए। क्या पुण्य या क्या पाप, तुम्हारे जैसी चालू लड़की से शादी करने से अच्छा है कि किसी आश्रम में जा करके सन्यासी बन जाए वो। सही कहा ना? मैं चालू लगती हूँ बटले कहीं के? मैं सब समझ रहा हूँ, समझी? इधर आओ बैठो पहले। देखो भाई, तुम दोनों एक ड्यूट गाना गा करके आओ, तब तक मैं घर का कुछ काम करके आ जाता हूँ, ठीक है? बाय। कबाब में हड्डी बनने से अच्छा है कि निकल ही जाऊं। इस गांव में मैं हर आदमी को जानता हूँ, मगर ये यहाँ पे नया है, इसी ने पैसे चुराए होंगे। रुक जाओ, दादाजी आप सॉरी, इस गांव के लोग ही ऐसे हैं। चलो बेटा चलते हैं। देखो ये है मेरा बेटा शिवरुद्र। एक दिन मेरे घर में मुन्नी अम्मा नाम की एक औरत आई। भैया शिवरुद्र भैया। हाँ पार्वती, बेटी पार्वती। हाँ पिताजी। इधर आओ। क्या हुआ पिताजी? शिवरुद्र से कोई मिलने आया है, जाओ पूछो कौन है। ठीक है पिताजी, सुनिए। क्या हुआ? तुमने बुलाया पार्वती? कोई मिलने आया है आपसे। कौन आया है? सुबह सुबह देखता हूँ। ओहो मुनी अम्मा, क्या बात है? मेरा बेटा हमेशा शांत रहता था, पर पता नहीं उस दिन क्या हुआ, उस दिन उसे बहुत गुस्सा आ गया। पता है क्यों? इस गांव के लिए, इस गांव के लोगों के लिए। अबे ओ कमीनो, तुम सब लोग गरीब हो, तुम लोगों को हमेशा मेरे पैरों के नीचे ही रहना चाहिए। ओ क्या कह रहे हैं आप, ये जमीन शिवरुद्रा के दादाजी का है, उन्होंने हम गांव वालों को दान में दिया था, पता है कि नहीं आपको? अबे एक थप्पड़ लगाऊंगा सुधर जाएगा अभी के अभी। कौन है रे वो शिवरुद्रा? ये सिर्फ उसके दादा की जमीन नहीं है, मेरे दादा की भी है। एक शब्द भी किसी ने कुछ कहा तो उसे यहीं पर गाड़ दूंगा। देखते हैं कौन आएगा, तुम लोग काम शुरू करो। रुक जाओ। क्या चाहता है तू? हाँ
ये गरीब लोगों की जमीन है, इसे छीनने की कोशिश मत करना। प्यार से कह रहा हूँ, इस जगह को खाली कर दे। ए शिवरुद्रा, देख इस मामले में तू टांग मत अड़ा। तुझसे मैं बाद में आकर मिलता हूँ, तुम्हें जो चाहिए दे दूंगा। तू मेरा साला है क्या? जो मैं मांगूंगा वो तू मुझे दे देगा? देख 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अपना सारा सामान उठाकर निकल जाए यहाँ से। मेरे बेटे ने उन सब का विरोध किया। जमीन नहीं मिलेगी ये सोचकर एमएलए और आनंद मूर्ति ने लोगों के सामने मेरी इज्जत उतार दी। कितनी चर्बी होगी उस कमीने में। एक एमएलए मेरे साथ है, उसने इतना भी नहीं सोचा। वो किसी से डरता नहीं, उसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। एमएलए और आनंद मूर्ति ने मेरे बेटे को मार दिया बड़ी बेरहमी से। लेकिन गांव के लोगों के सामने उन्होंने कुछ और ही बताया। तुम सबके सामने बताता था कि वो तुम सबका भला करेगा, मुझसे 10 करोड़ रुपए लेकर चला गया। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बेटे की वजह से आज मैं सड़क पर आ गई हूँ। हमारे पेट पर लात मार के क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ तो बोलो, कहाँ है तुम्हारा बेटा? तुम्हारे वंश का नाश होगा, तुम लोग तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के। पता नहीं क्या चल रहा है इन लोगों में, तो समझ में नहीं आ रहा। यही हुआ था बेटा, अब मेरा वंश बढ़ाने वाला कोई नहीं। मेरा बेटा और बहू एक्सीडेंट में मर गई ये कहा गया, और उनकी ये बेटी है सूमा। मेरा बेटा शिवरुद्र और बहू तो उनका बेटा यानी मेरा पोता, मेरा वंश चलाने वाला था, वो भी मर गया बेटा। उस दिन उस मुन्नी अम्मा ने मुझे श्राप दिया था कि मेरा वंश निर्वंश हो जाएगा, इसलिए उस गांव को छोड़कर मैंने इस खेत में घर बना लिया, और उसके बाद बेटियों और दामादों के साथ मैं यहीं रह रहा। कैसे दादाजी हैं भाई? ये कहानी सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया अब तक। क्या यार, देखता हूँ आज का न्यूज क्या है। बीवी के सेकंड सेटअप का राज खुला। इसका पति इसका ध्यान रखा होता तो सेकंड सेटअप क्यों रखती है बेचारी। हे भगवान, 50 करोड़ रुपए लेकर गायब। किस इंसान ने 50 करोड़ चुराए हैं भाई? अगर इतने पैसे मुझे मिल जाते ना तो बाहुबली जैसा सुपर डुपर हिट पिक्चर बना देता मैं। वो लकी फेलो पता नहीं कौन है यार। वो 50 करोड़ रुपए चुराने वाला लकी फेलो मैं ही हूँ। 420, जोक करने का टाइम नहीं है ये। लैपटॉप में काम कर रहे हो, चुपचाप वही करो। हैं क्यों, भरोसा नहीं हो रहा है क्या? तो 50 करोड़ रुपए तुम लेकर भागे हो? मैं अपनी आंखों से देख कर ही धन्य हो जाऊंगा। जरा बता दो कहाँ रखे हैं 50 करोड़ रुपए? उठकर बेड के नीचे देख ले। हैं? वहीं पर रखे हैं मैंने। बेड के नीचे रखा है 50 करोड़? भाई इस बेड पे दो लोग ठीक से सो नहीं पाते, तू 50 करोड़ रखने की बात कर रहा है? ठीक है खोल के देख लेता हूँ मैं। कहाँ है, कहाँ है? बताओ बताओ कहाँ है? इसके नीचे कहाँ है? यहाँ है, यहाँ, यहाँ है 50 करोड़, यहाँ है, कहाँ है? 50 करोड़। अरे भाई, ए भाई क्या हुआ? पैसा पैसा बोल रहा था और पैसा देखते होश को बैठा। ए अरे सुन, मैं कहाँ हूँ? है तुमने 50 करोड़ चुराए हैं, दादाजी से भी कहूंगा, पुलिस को भी बताऊंगा। वो 50 करोड़ चुराने वाला चोर तो मैं ही हूँ, और ये आइडिया तूने ही दिया, ऐसा मैं सीधे पुलिस वालों को बता दूंगा, तो कैसा रहेगा भाई? तू चॉकलेटी बॉय नहीं है, तू बहुत खतरनाक बॉय है। भाई मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत फंसाना मेरे भाई, मर जाऊंगा मैं। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे चंद्रो,
तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यही आदमी है। देखा? हाँ हाँ यही है, यही है वो। कहाँ है ये बता मुझे। टेंशन मत लो, समझ लो कि अब इसकी कहानी खत्म। ये दिखने में सिर्फ भोला है लेकिन सबकी बैंड बजा देगा। आधी बोतल पी चुका हूँ मैं उसकी फोटो देखने के बाद, सारा नशा उतर गया। 10 लोग भी उसके सामने जाएंगे ना 10 के टुकड़े कर देगा वो। मैं बचपन से उसे देखता रहा हूँ, बचपन से देखता रहा हूँ। दिखता साइलेंट है, वायलेंट हुआ तो हम सब की कहानी खत्म समझो। उसके पहले अब उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो भी हमारे मूर्ति भाई के सामने आएगा, चाहे वो कोई भी हो, मिट्टी में मिल जाएगा। इस बात की गारंटी है, मूर्ति भाई खतरनाक है। तेरा भाई खतरनाक है तो वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, सबको खत्म कर देगा, समझ जाओ। देखते हैं कि कौन किसको खत्म करता है। अभी इसे क्या काम है। अबे ओ डब्बे, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, अभी वहां क्या कर रहा है, यहाँ आ जा। भाई एक छोटा सा सेटलमेंट करना है। अरे क्या करना है, हाथ काटना है, पैर काटना है या सर काटना है, उसे यहाँ लेकर आ जा। भाई मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगा और उसे साथ में लेकर आऊंगा। चलो सब। यस बॉस। ए उतरो सब लोग। बॉस कहिए बॉस। वो जो वहां कमीना बैठा दिख रहा है ना, उसने अभी तक ना तो असल दिया है और न ही ब्याज दिया है। आज उसे पूरे पैसे वसूल कर लो। ठीक है बॉस। मैं घर होकर आता हूँ। ठीक है बॉस। ए पैसा कहाँ है? अभी यहाँ से कैसे बच कर निकलूँ? ए बहुत हो गया खुजारा, जल्दी से पैसा निकाल। बे जल्दी कर। दे रहा हूँ भाई। चल बे गिन लीजिए। असल तो हो गया, ब्याज कहाँ है? भाई ब्याज के साथ ही तो दिया है मैंने। अबे ये मूर्ति भाई का पैसा है समझा। पिछले 6 महीने से हम लोग तुझे इधर उधर ढूंढ रहे हैं ना, उसका 10,000 निकाल फिर हम जाएंगे। भाई बेटे को पढ़ाने के लिए 1-1 रुपया जमा करके रखा था मैंने, वो सब मैंने आपको दे दिया। अब आप मुझे उल्टा लटका दोगे तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है भाई। अबे कमीने, अगर तुझे उल्टा लटकाया तो हमें क्या मिलेगा? ये ले तेरी जायदाद के पेपर्स हैं, इस पे साइन कर दे और हम चले जाएंगे यहाँ से। ए, ए, क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को? गुंडागर्दी बंद करो, मेरी जान जाए तो भी परवाह नहीं, लेकिन मैं किसी गरीब की जमीन जायदाद तुम्हारे हवाले नहीं होने दूंगा। अबे तू कौन है मैं पूछने वाला, निकल यहाँ से। नहीं सूर्या। ए तू साइड हट बुड्ढे, इस बच्चे को तू क्या समझाएगा, मैं समझा दूंगा। हाँ ए ये तेरा गांव है क्या? तू इस गांव में इस बुड्ढे का मेहमान बनकर 2-4 दिन के लिए आया है, हमारे गांव के मामले में तू क्यों पड़ रहा है? और तू हमारे लोगों के सामने इसे मरवाएगा तू? हाँ इसके लिए पनिशमेंट है। इस गाँव के लोगों को तू बहुत प्यार करता है ना, 1 हफ्ते का समय देता हूँ, सबके ब्याज के पैसे तू चुकाएगा, नहीं तो पूरे गांव को शमशान में बदल दूंगा। जानता है ना मेरे बारे में? मालिक हमने उससे पैसे उधार लिए थे, पर ब्याज चुकाते चुकाते जमीन घर सब कुछ बिक गया, गांव छोड़ने की हालत आ गई है। अब आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं मालिक। तुम लोगों को ये गांव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं मौजूद हूँ मेरी जमीन और बैंक में रखे पैसे से मैं तुम सबका कर्जा चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम बस हिम्मत से काम लो। सूर्या कहाँ है? सूर्या तो सूर्या ये देखो। आओ दादा जी, आपने तो जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ खोया है, अभी अगर बचा है तो वो आपका घर और थोड़ी सी जमीन, अभी वो भी अगर खो देंगे तो क्या होगा दादा जी? मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, अगर ये लोग हैं तो मैं भी खुश रहूंगा, इससे ज्यादा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। दादाजी की बात सुनी आपने, आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई तो दादाजी अपनी जायदाद बेचने निकले हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं ये। इस करुणामय इंसान का सच पूरा करने के लिए मैं तो तैयार हूँ, मुझे आप लोग अपना छोटा भाई समझो, रिश्तेदार समझो या फिर अपना बेटा ही समझ लो, और भगवान के लिए
मेरा ये छोटा सा तोहफा कबूल करो। आज के बाद हम सारे लोग मिलकर इस गांव का उद्धार करेंगे। ठीक है सूर्या बेटा। शहर में रहने वाले आपके बच्चों को आप गांव में बुलाइए। गांव की गलियों से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है। नमस्ते 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 नमस्ते। यहां से लेंगे। अरे वाह 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 वाह। गोपाल कृष्ण मस्त दिख रहा है तू, एकदम हीरो की तरह। यहाँ बैठ जा भाई। वहाँ जो जमीन है वो तुम्हारे पिताजी का है ना? तेरे बाप का नहीं है क्या? तेरी तो। चलो अपना चेहरा देखा है क्या? हीरो बनने लग भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ गए। ये बच्चा मेरे डायरेक्टर होने पर थूक करके चला गया, बहुत बदमाश है। ये सूर्या मुझे डेवलप करने के बजाय इस गांव को डेवलप करने चला गया। आज तुझे बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो डब्बा इधर ही आ रहा है, आज बताता हूँ इसे मैं। आजा 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 आजा। नमस्कार नमस्कार। आइए उतरिए 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 उतरिए, आपका स्वागत है, आइए। पूरे पैसे खत्म हो गए ना? नमस्कार। एक डायरेक्टर को डेवलप करने के बजाय तुम इस पूरे गांव को डेवलप कर रहे हो। मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ, मेरा क्या होगा? अच्छा चलो यार, तुमसे कुछ बात करनी है, आओ। क्या होगा? हाथ हटाना। तेरा तो उस बैंकी का रिलेशनशिप है ना? ये बैंकी कौन है भाई? अरे तिरुपति वेंकटेश्वर, लोगों के कर्ज चुकाने के लिए आए हुए भगवान हो ना तुम। मैंने सोचा था कि तुम मेरे फिल्म को प्रोड्यूस करोगे, तुम तो पूरे गांव को प्रोड्यूस करने लगे हो यार। देखो दोस्त, दादाजी के बेटे ने इस गांव के लिए अपनी जान दे दी है सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि इन पैसों से मेरा सपना पूरा करने से अच्छा दादाजी के बेटे का सपना पूरा करूंगा तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और साथ ही साथ सारे गांव वालों का भला होगा। सूर्या, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था यार। तुम अपने पिताजी के सपने को पूरा करने आए हो ना। मेरा डायरेक्शन बाहर में जाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा, वादा है मेरा। थैंक्स यार, थैंक यू। तू ग्रेट है सूर्या, तू बहुत ग्रेट है, भगवान तेरा भला करेगा। सूर्या जरा पीछे देख, कोई हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है, कहीं कोई सीआईडी वीआईडी तो नहीं है? अबे तो डर मत यार, चुपचाप बैठा रहे। अचानक से ये क्या? फ्रेंड के घर आने पर कोई ऐसे स्वागत करता है क्या? ठीक है ओके। ही सूर्या, आई नो। हाय सूर्या, दिस इज प्रिया। हाय प्रिया, यू आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। ओह थैंक यू सो मच। इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। That's so sweet of you. अरे कहीं तो मिर्ची जलने की बात आ रही है। सूर्या सूर्या, एक सेल्फी हो जाए? श्योर। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? थोड़ा पास आ जाओ ना। घोड़े पर बैठकर आने वाला राजकुमार गधे पर बैठकर चला गया। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, ये सुमा, ये क्या दिखता है ना, क्या हाइट है, क्या कलर है, वाह, मैं तो इसे देखते ही इसकी दीवानी हो गई। अच्छा बता, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? नहीं नहीं, अगर वो हाँ कह देना तो शादी से पहले ही मैं तो सुहागरात मना लूंगी। शर्म नहीं आती तुझे? क्या है ना, ऑलरेडी मेरे दिल में गिटार बजने लगा है। ओह
सुमा, मंदिर में लोग बाल बांध करके जाते हैं, तुम भालू की तरफ बाल खोल कर क्यों जा रही हो? तुझे मैं भालू दिखाई देती हूँ? अरे ये कोई नॉन सेंस नहीं है, तुम अपने दिल में गिटार बजा रही हो और ये मेरा तबला बजा रही है, बस यही बात है। मेरे घर में आकर मेरा ही पत्ता काट रही है। कूल बेबी कूल, कूल नहीं स्टूल नहीं, निकल यहाँ से। सूर्या, सी यू, बाय बाय प्रिया। ए, निकल जल्दी। कितनी चालाक है ये, अपने आप को बड़ी मिस इंडिया समझती है। अगर मैं ध्यान नहीं देती तो पता नहीं क्या हो जाता। सुमा थिंक डिफरेंटली, आखिर मैं क्या उससे कोई कम हूँ? अगर ऐसा किया तो सूर्या जरूर पट जाएगा। वाओ, सुपर, सूर्या, आई लव यू। हे भगवान, ऐसा करूंगी तो भी नहीं मानेगा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना प्लीज। क्या लव हो गया? हाँ, लव का मामला है। क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, लैपटॉप, लैपटॉप मांगने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर रही थी। लैपटॉप चाहिए था तुम्हें? हाँ। मैं नहीं देने वाला। तुम्हारा डिब्बा लैपटॉप मुझे क्यों चाहिए होगा? अगर मैं चाहूँ तो हजारों लैपटॉप खरीद सकती हूँ, समझे? हजारों खरीद सकती हो? हाँ। जब खरीद लोगी तब की बात तब देख लेंगे, पहले तो यहाँ से तुम निकलने की सोचो। ये कोई मजाक का वक्त है क्या? थोड़ी सी अच्छी शक्ल क्या मिल गई? बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? एक दूंगा ना कान के नीचे, बहुत ज्यादा बकबक करती है। चल निकल। ये खड़ूस तो हंस रहा है। ये 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 इतनी रात गई क्यों चिल्ला रही हो? चलो सो जाओ। हेलो। हेलो, किन से बात करनी है? सूर्या को फोन दीजिए। सूर्या, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। हेलो पार्टनर, इतना साइलेंट रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, कुछ तो बात करो पार्टनर। ये नंबर तुझे कहाँ से मिल गया बे? इस दुनिया को उजाला देने वाला सूर्या है, वो सबको दिखता है, तो तू कैसे छुप सकता है? देख सूर्या, बहुत हो गया ये दूर दूर जाकर लुका छुपी का खेल खेलना। सूर्य नाम हो तुम्हारा या फिर चंद्रमा नाम क्यों ना हो, मिलना बहुत जरूरी है, वही तकदीर है, वही विधि का विधान है। मीटिंग कब है, फिक्स कर। मीटिंग? मेरे साथ डबल गेम खेलना चाहता है? इंसानियत नाम की चीज बची है क्या तुझमें इडियट? इंसानियत, दया, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कब देगा तू मेरा 50%, बस ये बता दे। क्या ए बेवकूफ लोग, वो कहाँ है कुछ पता चला क्या? ढूंढो ढूंढो उसे, ढूंढो, ढूंढने से परमात्मा भी मिलते हैं। और मत भूलो, पैसा ही परमात्मा है, और उस परमात्मा को खोकर मैं परदेसी की तरह यहाँ बैठा हुआ हूँ। आजा आजा आजा, हाँ जल्दी आ। मिला क्या वो? नहीं सर। कौन है रे वो? वो ओसामा बिन लादेन है या वीरप्पन है? तुम बड़े बड़े लोगों को मार रहे हो और उस छोटे से इंसान को नहीं पकड़ पाए अब तक। लाना था तुम लोगों पर और इस यूनिफॉर्म पर और इस नौकरी पर। एक काम करो, इसे उतार दो और किसी गेट की रखवाली करो। पता है शिवमग्गा, शिकारीपुरा, मैसूर, मंड्या, हुबली, धारवाड़ा से, इन सब जगहों से वसूल किया हुआ पैसा है वो मेरा। मुंह क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, उस कमीने को पकड़ के मेरे सामने लाके खड़ा करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब क्या चाहिए तुझे? तेरी इतनी हिम्मत मेरे ऊपर हाथ उठाता है? ए घूसखोर मंत्री, तेरी करतूतें मुझे पता है। गरीबों से करोड़ों करोड़ रुपए छीन कर तूने अपना ये बंगला खड़ा किया है ना? अगर गलती से भी तूने दोबारा मुझे फोन करके रिश्वत देने की कोशिश की ना तो इस रिवॉल्वर की सारी गोली तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगा, ये बात याद रखना। चल निकल निकल। सर क्या है? आरटीओ ऑफिस में अगर गए तो गाड़ी के बारे में कोई क्लू मिल सकता है सर? करेक्ट, चलो चलते हैं।
एक्सक्यूज मी मैडम। यस सर। 2016 में निबकाईपुर में कितनी मिनी ट्रक्स की डिलीवरी हुई थी, मुझे उसकी डिटेल्स चेक करनी है मैडम। ओके सर। थैंक यू। फाइन सर। इन्होंने आत्महत्या क्यों की है, ये आत्महत्या है या खून है, इस बारे में कुछ कहेंगे? मैं नहीं जानता मैडम, सभी देख रहे हैं इसलिए मैं भी देख रहा हूँ। क्या इस आदमी का कोई रिश्तेदार यहाँ आया है? वो है मैडम। ओ चलो वहाँ चलो, कैमरामैन जल्दी। ये आदमी आपका क्या लगता है? वो मेरा छोटा बेटा है, उसने कर्ज लिया था लेकिन भर नहीं पाया तो उसने आत्महत्या कर ली। समझ में नहीं आ रहा क्या? आप देख सकते हैं कि हर इंसान अलग कहानी बता रहा है। कोई कहता है वो शराबी हो गया था, कोई कहता है उसे जुए की लत लग गई थी, किसी का कहना है कर्जा ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर ली। कैमरामैन रमेश के साथ मैं दिव्या। हेलो। यहाँ किसानों की समस्या तो बहुत है, इन्हें खेती करने के लिए पानी नहीं मिल रहा तो ये बेचारे बहुत तकलीफ में हैं। भगवान के लिए एक बात ध्यान में रखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं वो यही किसान उगाते हैं। दिन ब दिन किसानों की आत्महत्या बढ़ती ही जा रही है, तो उन सब की हिम्मत बढ़ाने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। देखिए अगर हम सब लोग मिलकर पब्लिक के लिए काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे इस देश का हर गांव तरक्की को छुएगा। हम में वो शक्ति है, इन सारी समस्याओं को सरकार के सामने और अधिकारियों के सामने लेकर जाएंगे तो ही कुछ होगा। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है इन किसानों का कर्ज उतारने का। मालिक आ गई। क्यों रे, तेरा पति तो मुझे पैसे दिए बिना ही चला गया। ए! नीचे क्या देख रही है, मुझे देख। कल जमीन के सारे पेपर्स लेकर घर में आ जाना। रात के लिए कोई इंतजाम करूं क्या मालिक? एक विधवा यहाँ खड़ी है और तू रात के मसाले की बात कर रहा है, चल जा यहाँ से। गलती होगी मालिक। देखो भाई, तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा, ऊपर से तुम्हें और पैसे भी दूंगा। तुम मैलूर या मैसूर में जाकर सेटल हो जाओ। ठीक है। ठीक है जाओ। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, सब मेरे पैसे लेकर मर रहे हैं। मरने दो, गांव तो मेरा हो जाएगा। ए नमस्ते सर। चिकना तुम ही हो क्या? हाँ मैं ही हूँ सर। अच्छा ये कुमार कहाँ रहता है? कुमार यहीं पे रहता है सर, लेकिन दो तीन दिन से नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। नमस्ते। ए अरे मैं नहीं सर। इतना डर क्यों रहा है बे? बोलिए सर। तुम्हें तो कहीं देखा है मैंने। मैं बताता हूँ ना सर। क्या कहा तुमने? यही देखा था सर। देखा है। मारूंगा तुझे। कहाँ देखा है इसे? चेक पोस्ट पे देखा है क्या? नहीं सर, कहीं नहीं देखा होगा। कहीं और देखा है तुम्हें? यहीं पर देखा होगा सर। कहीं तो देखा है। वो कोई दूसरा हो सकता है सर। सर ये हमारे गाँव का मालिक है, शिवयान के घर का आदमी है। जी सर। पूछ लीजिए। ओके ठीक है। सुन, तिहाड़ जेल की तो गारंटी है यार। बॉडी में सफेद कपड़ा, एल्युमिनियम की ताली फिक्स। चल ये तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ये पागल, चल अब यहाँ से चल।
हेलो। ए सूर्या, मेरा हिस्सा मुझे दे दे, नहीं तो मैं ऐसा करूंगा जिसका तुझे पछतावा होगा। जिस गांव में तू रहता है ना, उस गांव को जलाकर राख कर दूंगा। तू भले ही मुझे जला के राख कर दे, लेकिन गांव के बारे में अगर कुछ सोचा तो तू खुद ही जलकर भस्म हो जाएगा। इन सारे गांव वालों पर मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। गांव वालों को तू बहुत चाहता है ना, उन्हीं गांव वालों के सामने देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ। आ रहा हूँ मैं, गेट रेडी टू फेस इट। आई विल बी वेटिंग। भाई आजा भाई, बता क्या बात है? वही भाई, मैंने फोन पे बताया था ना, ये वही चंद्रू है। नमस्ते भाई। ओ, नमस्ते भाई, आ जाओ। और बताओ कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। देखो तुम आए हो यहाँ पर तो मैंने देसी मुर्गी मंगवाई है। भाई मैं नॉनवेज नहीं खाता। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? हम गजेंद्र फाइनेंस से बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बात है? तुमने अभी तक लोन नहीं चुकाया? ओ, उस लड़के ने किस्त नहीं भरा क्या? नहीं। मैं उससे बात करता हूँ। रुको 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 रुको, आप अपना एड्रेस हमको लिखवा दो, हम आके कलेक्ट कर लेंगे। ओ, ठीक है, लिखिए, मैं हाँ? बता रहा हूँ, 404 नंबर। रॉकिंग वेंकटेश प्रोड्यूसर है, आप ही हीरो हो, बोल दिया तो भी मास। मेरा राजकुमार कहाँ है? वो वहाँ पे बैठ करके अपना सुसाइड लेटर टाइप कर रहा है, हो सके तो जा करके उसे बचा लो। वो अपना सुसाइड लेटर नहीं लिख रहा है, तुम्हारा लिख रहा है। अरे बाप रे, ये दोनों मिलकर मेरे साथ ऐसा कर भी सकते हैं? अगर मैं फिल्म का डायरेक्टर नहीं बना तो मेरा ऑस्कर मिस हो जाएगा। सूर्या हाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो क्या है? नदी किनारे चले क्या? चलो आता हूँ। भाई बहुत दिन वेट कर लिया हमने, अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। ए, उसकी कहानी खत्म कर देंगे, वो कोई बड़ी तोप है क्या? भाई वो दिखने में चॉकलेट बॉय जैसा दिखता है लेकिन है बहुत चालाक। वो हमारे सामने आएगा ना तो भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देख चॉकलेट खाने वाले को इतना ऊंचा मत चढ़ा, फोन लगा मैं बात करता हूँ। कुछ बात करने के लिए बुलाया था तुमने? वो हेलो, सूर्या को फोन दो। सूर्या तुम्हारे लिए फोन है। हाँ दो। हेलो, मैं मूर्ति बोल रहा हूँ। कौन है बे मूर्ति? आनंद मूर्ति, फाइनेंसर। तेरा एक पार्टनर था ना, अब वो मेरा भी पार्टनर है, जल्दी लेकर आ जा पैसे। नहीं, सूर्या साइलेंट दिखता है तो उसे पंगा मत लेना। हम तीनों मिल गए ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसे हो जाएंगे। तू सिर्फ मेरा साथ दे, इस गांव को हमेशा के लिए पंचायत लिस्ट से हटा दूंगा। ये गांव वाले सारे मेरे अपने हैं, अगर उनके बारे में कुछ भी करने का सोचा तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए हीरो, ये डायलॉग किसी लड़की के सामने मार, मेरे सामने नहीं। मैंने सुना है कि तूने शहर से बहुत सारे लोगों को मुझे बर्बाद करने के लिए यहाँ गाँव में बुलाया है, वो सब मेरे पास है। तू कृष्ण बनता है ना, ठीक है, पांडव लोग अभी कष्ट में हैं, आकर उन्हें बचा ले। ए, कब कहां और कितनी देर में आना है मुझे बता दे। तुझे आधे घंटे का समय देता हूँ, तब तक नहीं आया तो हर आधे मिनट में एक एक लाश गिरेगी यहाँ पर, चल आ जा। अभी आ रहा हूँ मैं। ए, चलो सर। I love you, Surya. क्या है ये सब? I love you. बात को समझो सुमा। क्या समझूं मैं सूर्या? मैं एक चोर हूँ। नहीं तुम झूठ कह रहे हो। मुझे गुस्सा आए तो मैं किसी की बात नहीं सुनता। तुम कोई भी हो सूर्या, मैं तुम्हीं से शादी करूंगी। देखो तुम मेरे बारे में ठीक से जानती नहीं हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है सूर्या, अगर ये बात सच होती और तुम चोर होते तो मेरी फैमिली को इस गांव को अपनी फैमिली क्यों बनाते? बात वो नहीं है सुमा। बात चाहे कोई भी हो सूर्या, मुझे उस सबसे कोई मतलब नहीं, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ, मुझे तुम्हारा ही साथ चाहिए सूर्या। मेरा एक अधूरा काम बचा है, मैं उसे पूरा करके आता हूँ, फिर जो करना है वो कर लेना। किन से मिलना है?
कुमार जी हैं क्या? क्या काम है? मैं फाइनेंस कंपनी से आया हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं बुलाती हूँ। सुनिए, क्या हुआ? कोई फाइनेंस कंपनी से आपसे मिलने आया है। हाँ आइए। हेलो, तुम जाओ दो कॉफी बना लो, तब तक हम लोग बात करते हैं। अभी लाती हूँ। सर, उस लड़के ने दो ईएमआई नहीं भरी क्या? गाड़ी कितने में बेची थी? गाड़ी तो 12 लाख में बेची थी सर। 12 लाख में बेचकर इतना बड़ा बंगला खरीद लिया और इतनी हाईफाई लाइफ जी रहे हो तुम। देखिए सर, ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं गाड़ी को 12 लाख में बेचूं या फिर 25 लाख में बेचूं। देखिए, आपकी 2 EMI बाकी है ना, तो वो लीजिए और जाइए यहाँ से। मेरी बात सुन। लोगों के करोड़ों रुपए चुरा कर उन पैसों से तुम मुझे खरीदने की कोशिश करना चाहता है क्या? पुलिस, पुलिस ऑफिसर अब है हूँ मैं। करोड़ रुपए का क्या हुआ वो बता दीजिए ना इन्हें। वो कौन है, उनके माता पिता कौन है, उनका वंश क्या है, कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं। एक बार सब कुछ इन्हें पता चल जाए ना, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कानून की ताकत अब देखिए। चल ठीक, चल है, मेरे साथ। तू अपना ख्याल रखना। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आराम से जाइए। वेलकम पार्टनर, आ जाओ आ जाओ। अरे क्या आ जाओ, तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूँ। ए सिरप बेबी, तू आएगा ये मुझे पता था, लेकिन तू यहाँ पर खाली हाथ आ गया है और वो नहीं चलने वाला है। देख, चुपचाप पैसे लाकर यहाँ रख, आधा लीटर दूध पीकर आराम से घर जाकर सो। सो। बार बार मुझे बेबी सिरप बोल रहे हो ना, वही बेबी सिरप आज मैं तुम्हें पिलाने आया हूँ। तुमको जो कुछ भी करना है कर लो, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। मुझे मारेगा तो तुझे क्या मिलेगा? तेरे इस पसंदीदा गांव को मैं शमशान बनाकर इसी जगह पर बियर फैक्ट्री बनाऊंगा, तब तू क्या कर लेगा ये मैं देख लूंगा। इन गाँव वालों को यहाँ से हटा कर यहाँ बियर फैक्ट्री बनाने की बात करते हो, तुम्हारे अंदर अच्छाई नाम की बात है कि नहीं? एक बात ध्यान से सुन लो, तुम लोग मुझे मारने के बाद ही उस गांव में जा सकते हो। हे, बलि देने वाला बकरा ही जब सामने आ गया है तो कहानी सुना रहा है। बकरीद मनाओ। चीयर्स। कैसे कैसे प्रोड्यूसर हैं भाई, मैंने फोन किया तो गंदी गंदी गाली दे रहा है मुझे। शाबाश शाबाश। 50 करोड़ रुपए चुरा कर हमें टेंशन देकर तू यहाँ शराब पी रहा है। सीधे से बता दे कि वो पैसे कहाँ छुपाए हैं तूने? कौन से पैसे? कौन है क्या पता। ए बाहर आओ। कौन से पैसे बता दो इसे। मालूम नहीं। क्यों रे, 50 करोड़ चुराने के बाद तू तो आराम से जिंदगी जी सकता था, यहाँ जंगल में बैठ के शराब क्यों पी रहा है तू? आखिर चक्कर क्या है? आप ही चक्कर देख लो। ए बरसाती मेढक, इतना मारूंगा कि फुदकना भूल जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू बहुत चालाक आदमी है और ये सारे लोग तुझे चॉकलेटी बॉय समझते हैं, मगर तू कितना खतरनाक है ये अभी पता चल जाएगा। इस दुनिया में हम अच्छे लोगों की तलाश करते रहते हैं, मगर हम कब अच्छा बनेंगे ये क्यों नहीं सोचते हैं सर? वो 50 करोड़ रुपए मैंने ही चुराए थे और उन बुरे लोगों का अंत भी मैंने ही किया है। Oh!
सूर्य, I'm sorry. मैं खुद को अनाथ समझता था, लेकिन मैं अनाथ नहीं हूं सर। मेरे लिए यहां पर एक फैमिली है। इन गांव वालों का प्यार और विश्वास जीत कर उनके हाथों से खाना खाया है। इन गांव वालों के लिए मैंने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही छोटा काम है सर। आज तो मेरे बाबूजी का सपना सच हो गया है। I'm really happy! मुझे पता है कि आप कभी ना कभी तो मुझे मार ही दोगे। मार दीजिए सर। अरे हाँ, ये क्या है? चाची, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। कुछ कीजिए ना चाची। मरने की इतनी जल्दी क्या है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे जैसे शातिर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सरकार हम जैसे पुलिस ऑफिसर को पगार देती है। कहाँ है पैसे? बता कहाँ है पैसे? भाई, कब से ये इंस्पेक्टर पैसा पैसा करके बार बार बोल रहे हैं? एक ही बार में बता देना कि पैसे कहाँ हैं। एक रुपए बचा है, आप ही दे दो बॉस। अरे ये नहीं यार, वो पैसे। वो पैसे मेरे पास बस इतने ही बचे हैं इंस्पेक्टर। अरे हाँ, क्या हुआ सूर्या? सूर्या, ये क्या कर दिया? सूर्या जैसे आदमियों को हमने अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, इसीलिए। उसे मार दिया कैसे? लेकिन उसने तो अच्छा ही काम किया था ना। किसके लिए अच्छा काम किया था? आप एक पुलिस ऑफिसर होकर उस क्रिमिनल का सपोर्ट कर रहे हैं। छे, रुद्रेश जी, ऐसे इंसान को कोई नहीं मार सकता। वो कहां पर है और क्या कर रहा है, चलिए मैं दिखाता हूँ। खाना लाई हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। अच्छा, वो कहाँ है, आपका हीरो कम डायरेक्टर? अरे डायरेक्टर साहब, आपके प्रोड्यूसर आए हैं। देखो प्रोड्यूसर, इस टाइम पे जरूर आती हो, अभी आता हूँ। बेचारा मेरे साथ रहकर कैसे बन गया, देखो। इसके लिए प्रोड्यूसर तो ढूंढना ही होगा। ठीक है ठीक है। तो यही है प्रोड्यूसर। मैं रॉक लाइन वेंकटेश प्रोडक्शन या फिर के मंजू प्रोडक्शन में एक मस्त फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ। उसके पहले तेरा एक प्रोडक्शन यहाँ आने वाला है, मैं बैठकर उसका पिछवाड़ा धोता रहूंगा। धोने के लिए तो बहुत टाइम बाकी है भाई।